आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से बेहद कमजोर, अति पिछड़े और पिछड़ों को पृथक आरक्षण देने के लिए सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसे लागू करने में हो रही हिला हवाली के विरोध में शनिवार को नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जननायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की सहमति से गब्बर शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया और पिछड़ों और अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में गणेश शर्मा, संतोष शर्मा, डॉक्टर हरीश शर्मा, हरिशंकर ठाकुर, जय कुमार शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जननायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा, जननायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति के तत्वाधान में यह बैठक आज यहाँ के लोग के द्वारा बधाई है नए साल पर। और पहले जो डीएम थे उनको भी ज्ञापन दिया गया था, 76 धरना किया। अब हमारा बैठक और धरना। नायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, और मेरा ये कार्यक्रम है कि अभी आज़ादी से लेकर आज तक जो अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय अभी तक नहीं मिला। सरकार एक कोशिश की थी रोहिणी आयोग बनाकर सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट भी लगा दिया कि अति पिछड़े जाति के लोग यहाँ बहुत कमज़ोर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्हें सामाजिक न्याय देने के लिए पृथक आरक्षण देने की आवश्यकता है। वो आरक्षण लागू करने हेतु आगे की कार्रवाई की और रिपोर्ट भी सरकार को दिया, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने के बजाय अभी तक पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में डाल के रखी है। हम अति पिछड़ों के आरक्षण को लागू कराने हेतु ये कार्यक्रम रखे हैं। हम चाहते हैं कि अति पिछड़ों का लाभ मिले, आरक्षण लागू होकर सरकार को इसको लागू करना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।